प्रोफेसर सौगता राय को मैं याद दिलाना चाह रही हूँ, मंत्री नहीं प्रधानमंत्री इंपोर्ट करते थे राज्यसभा से डॉक्टर मनमोहन सिंह को, याद रखिए ना। ये गजब टाइप की यूनिटी है सर, जिसमें ये समझना मुश्किल हो रही है कि ये अलायंस पार्टनर्स आपस में लड़ रहे हैं के साथ में लड़ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि पंजाब में कांग्रेस एंड आप आपस में लड़ रहे हैं, दिल्ली में आप और कांग्रेस अगेन आपस में लड़ रहे हैं, बंगाल में टीएमसी कांग्रेस एंड द लेफ्ट आपस में लड़ रहे हैं, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, राजस्थान और हिमाचल में आप और कांग्रेस दोबारा आपस में लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आपस में लड़ रहे हैं, गुजरात में आप और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। से ये गजब की अलायंस है सर। इसका उदाहरण इसमें सर, एक्चुअली कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर आए थे, क्या बात कर रहे हैं क्या? प्रोफेसर सौगता राय को मैं याद दिलाना चाह रही हूँ, मंत्री नहीं प्रधानमंत्री इंपोर्ट करते थे राज्यसभा से डॉक्टर मनमोहन सिंह को, याद रखिए ना सर। कर्नाटका का हेल्थ मिनिस्टर आए थे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक देने के लिए, और वो जाकर के बोले ये इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ अच्छा भी नहीं है, हम डिसअपॉइंटेड है। ये लड़ने का उदाहरण ये है सर। जनधन योजना लॉन्च करने के बाद सर, अगस्त 2014 में, फिर डिजिटल इंडिया लॉन्च करने के बाद 2015 में, भारत हैज बिकम अ पैसिव, नो लॉन्गर रिमेन्स अ पैसिव अडॉप्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, बट इट इज एन एक्टिव प्रोवाइडर ऑफ टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया। एक प्रथा, एक मान्यता थी कि पहले पश्चिमी देशों में कुछ नया टेक्नोलॉजी आएगा, फिर बाद में इंडिया में। ये सोच बदल गई है अभी, क्योंकि आप देख रहे हैं सर, ग्लोबली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ऊपर कितना वाहवाही तारीफ हो रही है, एंड आज हम यूपीआई को फ्रांस को एक्सटेंड कर रहे हैं, सिंगापुर को दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ उसको उपयोग कर रहे हैं, कनाडा को उपयोग कर रहे हैं, हांगकांग, ओमान, कतार, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई और यूनाइटेड किंगडम भी उसमें रुचि लेकर के, उनमें से कौन सा ऐसा एक स्टैक से एक निकाल सकते हैं जो उनको उपयोग में आएगा। ऐसे हमारे यूपीआई पूरे दुनिया में जारी है, उसका एक्सेप्टेंस पूरे दुनिया में है। डिजिटली हम एडवांस्ड है, डिजिटल पब्लिक गुड्स के विषय में G20 में भी बहुत तारीफ हो रही है, और IMF उनके स्टेटमेंट में ये मान रहे हैं कि डिजिटली हम बहुत सारे काम करने के बाद एक्चुअली आज लोगों को, लोग दुनिया के लिए हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं।